वित्त सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजीव कुमार ने आज चुनाव आयुक्त के तौर पर पद संभाला है। राजीव कुमार पैनल में शामिल होने वाले तीसरे सदस्य है। पूर्व वित्त सचिव कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। गौरतलब है कि लवासा ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था और वो मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल में मौजूद हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और बिहार तथा झारखंड के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 21 अगस्त को राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी। राजीव कुमार फरवरी 2020 में केंद्रीय वित्त सचिव पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद उन्होंने अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया। न्यूज़ डेस्क।